था क्योंकि पिछले 5 साल में जो गोरखपुर की जनता ने सहा है अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। एक गलतफहमी तो मुख्यमंत्री ये दूर करें, ना वो इस गोरखपुर के मालिक है और ना गोरखपुर की जनता उनके गुलाम है। जो तानाशाह उन्होंने यहाँ किए जनता चुनाव में उनका जवाब दे, और अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ जो पीड़ित हैं तमाम लोग। मैं जैसे एक बच्ची थी प्रियंका, जिसके पिताजी लड़ते रहे कि उसको न्याय मिल जाए लेकिन नहीं मिला, और FR लगी। मैं आज उनसे उनके परिवार से मिलने जाऊंगा, कल यूनिट की मीटिंग करूंगा, 11 बजे मीडिया के साथियों को संबोधित करूंगा कि जो भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है मैंने पूरा इतना चिट्ठा निकाला है, और मैं बताऊंगा कि उस गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने क्या दिया है। अभी जिन सड़कों से हम आए ना उनकी हालात ऐसी है लगता है किसी गांव की सड़क, तो मुख्यमंत्री ने सब तानाशाही की, जनता उनका जवाब दे। अच्छा, कांग्रेस सपा बसपा ने अभी क्या? देखिए, मैं दूसरी पार्टी के बारे में उनकी नीतियों के बारे में नहीं कह सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सोच रहे थे उनको वॉकओवर मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। हम पिछले 5 साल भी लड़े हैं और ये चुनाव भी लड़ेंगे और इसके बाद भी लड़ेंगे। हमारा काम है जो शहादत दी गई है देश को गुलामी से निकालने के लिए, वो शहादतों का सम्मान यही है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर के लोग मुख्यमंत्री नहीं चाहते। गोरखपुर के लोग कहते हैं कि वो हमारे राम है, भगवान राम की तरह पूछते हैं। क्या लगता है बाहरी होने का आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है? वो भी उत्तराखंड के। मैं बस आपको ये बता दूं, बहुत सारी चीजें जो ना मैं कल स्पष्ट करूंगा, लेकिन क्या गोरखपुर की जनता ने उन्हें लोकसभा उपचुनाव में नहीं हराया था? यहाँ आप बता दीजिए, नहीं हराया था क्या? और गोरखपुर का इतिहास रहा, अच्छे ताना साहब को खबर लिए, 1971 TN सिंह इसके उदाहरण है। और बाकी जनता में काम है, हमने काम किया उत्तर प्रदेश में और हम अपनी बात को लेकर जाएंगे। और मैं देखता हूं कि आप लड़ाई गरीबों की और काम करने वालों की, और एक तरफ से जो है ताना साहब के बीच है जाम जनता, और एक तरफ क्रूर शासक। क्या कारण रहा? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।